जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त अंगद वर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो आपको कितना वीडियो अपलोड करना होगा तो आपके वीडियो को YouTube प्रमोट करेगा। यह तो आपके मन में सवाल रहता है और डाउट रहता है कि मैं कितना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और कितना वीडियो हमको और अपलोड करना है जिसके लिए हमारा यूट्यूब वीडियो प्रमोट में जाना जाए, हमारा वीडियो वायरल हो जाए, यूट्यूब हमें भी प्रमोट करने लगे छोटे चैनल को। यह तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि आपको कितना वीडियो अपलोड करना है तो आपके सारे वीडियो जो यूट्यूब चैनल का सेटिंग है सारा ओपन होगा और तब जाके आपका वीडियो पे व्यूज आएगा। उसके बाद आपको अपना वीडियो कितना अपलोड करना पड़ेगा तब जाके आपका वीडियो को एक दो वीडियो में प्रमोशन का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच करना। मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे अपने वीडियो को प्रमोट करना है और कितना वीडियो डालेंगे तो आपका वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो पसंद करते तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपनी मोबाइल को स्क्रीन हम यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं। जैसे आप अनलॉक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए YT स्टूडियो, हम यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक करते हैं। जैसे YT आप क्लिक करेंगे मैं तो ध्यान हमारा YT वीडियो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको आपका न्यू यूट्यूब चैनल है तो आप में 10 20 50 या 100 सब्सक्राइबर सिर्फ होंगे, ये आप में दिखेगा। हमारे पे 1377 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया तो हमारा चैनल अच्छा खासा वारे में चला गया है। यहाँ पे देखिए व्यूज का अगर आप देखिए गुड का निशान लगा हुआ, वाट टाइम भी गुड का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको इतना अच्छा अनुभव हो गया है कि मैं कितना वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके बाद हमारा चैनल आगे और ग्रो हो जाएगा। तो चलिए भाई मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं तो एनालिटिक्स पे मैंने एक बार क्लिक करते हैं तो मैं तो ये एनालिटिक्स हमारा ओपन हो गया। मैं तो देख सकते हैं हमारा ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे एक बार रिसेंट ऑडियंस ऑडियंस पे क्लिक, तब जब आप अपने वीडियो पे ज्यादा ज्यादा वीडियो अपलोड कर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिटर्न व्यूअर और यहाँ पे यूनिक व्यूअर ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको देखना कि आपके यूट्यूब वीडियो में YT वीडियो में यूनिक व्यूअर कितना है, ज्यादा है या कम है, इसको देख लेना है। इसको आपको देखना है, सब्सक्राइबर देख लेना है कितना सब्सक्राइबर आपके 28 दिन के अंदर बढ़ रहा है। फिर आपको देखेंगे जब आप ज्यादा वीडियो अपलोड कर देंगे यानी कि 50 या 100 वीडियो अपलोड करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, हाउ व्यूअर योर ऑन यूट्यूब टाइमिंग। तो ये आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद आओ ज्यादा वीडियो अपलोड करेंगे, 100 से ऊपर वीडियो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं तो एज का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा कि ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अभी अब मैं नया होगा तो अब मैं खुशी दिखेगा आप जो हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। फिर इसको करेंगे उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा वीडियो बढ़ेगी आपकी तो जेंडर आपका ओपन हो जाएगी, आपका वीडियो कौन कौन से लोग देख रहे हैं यानी कि वॉच कर रहे हैं। फिर आओ इसको करेंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पे चल रहा है, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, सऊदी अरब में, इन जगह पे हमारा वीडियो चल रहा है क्योंकि हमारा अच्छा खासा वीडियो पे व्यूज आ रहा है। तो आपको जब आओ ज्यादा 100 से ज्यादा वीडियो अपलोड करेंगे तो ये ग्राफ आपका चालू हो जाएगा। फिर इसको करेंगे मैं तो ये सेटिंग आपको ओपन हो जाएगा, वाट टाइम सब्सक्राइबर का सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए भाई हमारे में एक और दो, ये दो सेटिंग अभी हमारे में बंद है यानी कि अभी हमारा वीडियो अच्छा खासा व्यूज लेके अभी नहीं आ रहा, हमको यूट्यूब अभी प्रमोट नहीं कर रहा। फिर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 कंप्लीट कर चुके हैं और 600 पर वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं, फिर भी ये दो सेटिंग अभी हमारे में ओपन नहीं हुआ है। तो ये दो सेटिंग जिस दिन हमारा ओपन हो जाएगा तो हमारे चैनल पर अच्छा खासा वाट टाइम बढ़ेगा और वीडियो हमारा वायरल फीड में जाएगा। तो ये दो सेटिंग को आपको हमको ऑन करना है। अब आप हमें तो ये सारे सेटिंग को ऑन कर लेना है जब भी, तभी आपका यूट्यूब समझेगा कि आप यूट्यूब पे रेगुलर काम कर रहे हैं, ये रेगुलर एक्टिव है और अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। जिस टाइम से अपना वीडियो आप चैनल बनाए हुए हैं उस टाइम से लेके अभी तक वीडियो अपलोड करते ही जा रहे हैं। तो ये सारे सेटिंग को आपको ऑन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जरा कॉन्टेंट सेक्शन पे जो तो कॉन्टेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग वीडियो डालते हैं या शॉर्ट वीडियो या लाइव एक्टिव या पोस्ट। तो हमने लॉन्ग वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ग्राफ आपका में 1000 व्यूज आया हो या 10 आया हो या 100 आया हो या 500 आया हो, ये ग्राफ ऊपर साइड में ही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये इंप्रेस का ग्राफ देखिए, जब आप 20 या 50 वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपका सारे वीडियो का मिला के यानी कि 100 200 या 1000 या 1500 तक व्यूज का ग्राफ इंप्रेस का ग्राफ रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, जब आपका ये ग्राफ इंप्रेस 50,000 पार हो जाएगा तब आप में के वीडियो पे कुछ ना कुछ वीडियो पे व्यूज आना चालू हो जाएगा। यानी कि 50,000 इंप्रेस जाएगा तो आपके वीडियो पे मिनिमम 1000 या 500 के 700 के आसपास आपके वीडियो पे वीडियो का लॉन्ग वीडियो पे सारे वीडियो पे मिला के। तो आपको ये ग्राफ का आपको बढ़ा के ही रखना, जब ये आपका बढ़ना चालू हो जाएगा तो समझिए कि आपके वीडियो पे व्यूज आना रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रिस CTR, अगर आप थंबनेल अच्छा बना लेते हैं अपलोड कर लेते हैं तो ये CTR 3% या 2% रहेगा, नहीं बना पाते हैं तो बिल्कुल ये 1% के नीचे ही रहेगा। तो आपको देखना है कि अपने वीडियो में CTR थंबनेल बहुत गुड ही लगाना है अपने वीडियो में।
फिर इसको करके तो अगर अपने वीडियो में ऑडियंस को अपने रोक के रख लेते हैं तो ये ऑडियो व्यू 1 मिनट से ज्यादा रहेगा, अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो 1 मिनट से कम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, मिनिमम इसका 2 मिनट रहता है, मैक्सिमम 2 मिनट और मिनिमम 1 मिनट से नीचे ना रहे तो आप यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट करेगा। तो ये आप में मालूम पड़ गया कि हमारा वीडियो यूट्यूब कब प्रमोट करेगा, किस प्रकार से प्रमोट करेगा। उसके बाद में तो जैसे इसको कहते हैं, जब आप अपना वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपलोड कर पाएंगे तो आप में जो वीडियो में टॉप वीडियो ज्यादा व्यूज आया है उसी वीडियो को अगर आप दोबारा अपलोड कर देते हैं तो आपके 100% वो वीडियो पे ज्यादा व्यूज आने का चांस बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो जैसे कि आप जो वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया वो वीडियो का ऑडियंस दोबारा वीडियो देखना पसंद करेगी तो आप दोबारा वीडियो अपलोड कर सकेंगे और वो वीडियो आपका वायरल हो जाएगा। तो आपको 28 रुपये दिखेगा, अब ही आप में नहीं दिखा होगा, बाद में दिखना चालू है कि जब आप ज्यादा वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे, जब ये दिखना चालू होगा तभी आपका समझिए कि यूट्यूब चैनल परमोट में चल रहा है। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे हाउ व्यूअर फाइंड योर वीडियोस में तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इसको भी आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए आपके वीडियो पे करीबन 500 पर सब्सक्राइबर होना चाहिए, 500 के ऊपर सब्सक्राइबर रहेगा तभी ये सेटिंग जो है कॉन्टेंट सक्सेस वीडियो ये सेटिंग ओपन होगा। तो मैं तो ध्यान से वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच करना वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच करना। मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कैसे अपने वीडियो को प्रमोट करती है आपका वीडियो का यूट्यूब। तो मैं तो इसको कहते हैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च ट्रिम। अब ये कैसे चालू होगा, जब आपके वीडियो में ज्यादा ज्यादा सर्चेबल वीडियो होने लगेगी, आपके सब्सक्राइबर सर्च ज्यादा करने लगेंगे तो ये सेटिंग आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा वीडियो पे कौन कौन सा सब्सक्राइबर ने हमारा कौन कौन सा टाइटल सर्च किया है। तो इसके ऊपर अगर आप वीडियो में अपलोड करेंगे तो ये वीडियो पे बूस्ट मिलेगी और बूस्ट मिलने के कारण आपका वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएगा और आपका वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा। तो आपको इसको भी मालूम पड़ गया कि आपका वीडियो कैसे प्रमोट में रहेगा आपका चैनल। फिर इसको करके यहाँ पे देखिए टॉप मोमेंट इंट्रो और स्किप और टिप्स। तो मैं तो ये भी सेटिंग आपको ऑन करना बहुत जरूरी है, 365 दिन का लास्ट में है। अगर आपके वीडियो पर ज्यादा अच्छा खासा व्यूज आ रहा है तो यहाँ पे देखिए टॉप मोमेंट में कौन से वीडियो पर ज्यादा व्यूज आया है, यानी कि ज्यादा वाट टाइम मिला है। तो मैं तो आपको इसी के ऊपर आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो आप में ज्यादा ज्यादा टॉप मोमेंट का वीडियो रहेगा तो आपका चैनल वायरल करने पे पहुंच जाएगा। तो ये आपको सेटिंग को पहले ऑन कर लेना है अपने चैनल पे धीरे धीरे करके। फिर आपको जाना ओवरव्यू, यहाँ पे ना ओवरव्यू दिख रहा है तो यहाँ पे ओवरव्यू पे आपको इतना ही मालूम पड़ेगा कि हमारे वीडियो पे कितना व्यूज आता है और कितना व्यूज नहीं आता है, ये वीडियो का ग्राफ कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। तो इसको आपको देखना जरूर बहुत जरूरी है कि हमारे ये घंटे के अंदर कितना व्यूज आ रहा है और 48 घंटे के अंदर कितना व्यूज आ रहा है, 28 दिन में कौन कौन से वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया है, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए योर बिग डिफरेंस इन हियर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते के अंदर में तो देख सकते हैं हमारे चैनल पे 3000 व्यूज आया हुआ है और अगले हफ्ते में ये 3 वीडियो पे हमारा ज्यादा व्यूज आया है, ज्यादा वाट टाइम मिला, दिस इज व्हाट द दिस वॉचेड। तो ये 3 वीडियो के ऊपर हमको ये 3 वीडियो इस हफ्ते में दोबारा अपलोड करना है तो ये 3 वीडियो पे ज्यादा व्यूज हमारे को देखने को मिलेगा और ज्यादा वाट टाइम भी देखने को मिलेगा। तो 1, 2, 3 ये 3 वीडियो को हमको अपलोड करना है यूट्यूब चैनल पे। तो उसके बाद इसको करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गेम दिया गया है तो जिस कौन कौन से वीडियो पे ज्यादा वाट टाइम मिला है हमने यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे इस चैनल पे ज्यादा वाट टाइम मिला है लास्ट वीक में, तो हमको इस वीडियो के ऊपर दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर देना है। तो हमको इस हफ्ते में भी ये वीडियो हमारा वायरल कगार पे चला जाएगा। अगर अगले हफ्ते में 1000 व्यूज आया है तो इस हफ्ते में इस पे 2000 व्यूज या 1500 व्यूज आएगा, ये मिनिमम है। तो मैं तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना चैनल कैसे प्रमोट करना है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको नीचे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अब ये ग्राफ आप में कब चालू होगा, मैं तो जब आपके वीडियो पे 500 सब्सक्राइबर और 250 से 300 के आसपास व्यूज रहेगा और आपका वाट टाइम अच्छा खासा चलता रहेगा तब ये ग्राफ आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको मेडिटेशन पर क्लिक किया है, अब यहाँ पे देखिए रिसेंट के अंदर अगले 3 यानी कि 15 दिन के अंदर जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया है आपके कैटेगरी में, मैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पे 2,69,000 और यहाँ पे 20,000 17,000 31,000, तो यानी कि ये 4 वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आया है और बाकी पे मैं तो बहुत कम ही व्यूज आया है, 2,000 23,000 आया है। तो मैं तो आपको इस वीडियो के ऊपर ऐसे 2-3 वीडियो को सेट कर लेना है
और वीडियो बना के आपको अपलोड कर देना है। तो इस वीडियो में 20,000 आया है तो आप में मिनिमम 5,000 व्यू तो आ ही जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर देना है, 100% आपके वीडियो पे ज्यादा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये सब सेटिंग आपको ऑन करते करते बहुत सारा टाइम भी बीत जाएगा, आपको सीखते सीखते कुछ समय भी लग सकता है हमें तो। और जितना जल्दी आप यूट्यूब पे सीख सकेंगे उतना जल्दी अपने चैनल को ग्रो भी कर सकेंगे। तो मैं तो वीडियो पसंद करते तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंगद वर्मा टेस्ट पार्ट का इनको चाहिए, वंदे मातरम।